हाय, आई मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे कृष्णा मोहिनी की, जिसमें हमने देखा कि जो कृष्णा है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और वहां वो पार्टी में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो मोहन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें बड़ा चाटा। तो इस पे बात करते हैं। तो भाई, ये मोहन को क्या जरूरत थी भाई? इतना प्यारा रोमांटिक डांस चल रहा था, और जब ऐसे क्वेश्चन हुए उन पे, कृष्णा पे, तो उन्होंने जो हरकत करी उस पे उन्हें चांटा पड़ा। क्या कहोगे आप? अब मुझे लगता है कि मोहन को किसी ने जबरदस्ती पिलाई है। समबडी हु इज ट्राइंग टू साबोटाज आर्यमन और कृष्णा का जो एक रेप्यूटेशन है या उनकी जो इमेज है, जो भी वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाहता है, ऑब्वियसली वी नो हु द पीपल आर, जो सिड है और उनकी मॉम है, वो लोग नहीं चाहते कि जो उन्होंने किया है उस हरकत को नजरअंदाज किया जाए, उनको एक मौका दे, मौका भी नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमेशा से कृष्णा के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मोहन को टारगेट किया गया है, एज यू कैन सी, एंड कृष्णा ने उनको चाटा भी मारा। दिस हैपेंड बिफोर ऑल्सो, जब ये लोग द्वारका में थे और आर्यमन की अनन्या से शादी होने वाली थी वहां पे, और उनकी जब संगीत सेरेमनी चल रही थी, तो वहां पे भी मोहन की कुछ हरकतों की वजह से बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। तो आर्यमन मॉम पॉइंटेड आउट, माय कृष्णा ब्रॉट मोहन, लास्ट टाइम इटसेल्फ मोहन की वजह से इतना तमाशा हुआ एंड ऑल दैट। सो प्रोमो में भी वो चीज देखना, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये डेलिबरेटली किसी ने किया है सो दैट ये हंगामा हो। और फिर उसी के अंत में वी सी दैट कृष्णा ने मोहन को थप्पड़ी मार दिया, क्योंकि वट एवर हैज हैपेंड दे हैड नो पार्ट इन इट। बाकी लोगों के षड्यंत्र का हिस्सा बने थे ये लोग, मगर फिर भी उसके ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि शी हैज टू क्लियर हर नेम, शी हैज टू मेक श्योर कि आर्यमन और उनको लेके जो भी लोगों के मन में सवाल है वो एक ऐसा इमेज क्रिएट कर पाए जो कि सच है, कि दीज पीपल डिड नॉट डू एनीथिंग डेलिबरेटली, इट वाज जस्ट द सिचुएशन। और उसके बीच में अभी कोई ऐसा करेगा तो क्या ही करेगा बंदा, थप्पड़ी तो मारेगा। तो वही हुआ है। एंड आपने बहुत सही कहा, बहुत ही प्यारा सा डांस चल रहा था, और उसके बीच में ये सारा ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ। दे वर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर बाय द वे, बमान एंड देबात्मा बहुत अच्छे लग रहे थे। सो यस, देखने में मजा आएगा, क्योंकि फिलहाल तो एक्सेप्ट किया है, इन द सेंस कि घर में रहने के लिए दिया है, रिश्ते को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। दे आर अफ्रेड ऑफ द प्रेस, दे आर अफ्रेड कि मीडिया क्या कहेगी अगर इनको बाहर निकाल दिया तो उसी वजह से घर में रहने दे रहे हैं। और शायद दुनिया को दिखाने के लिए ये पार्टी भी रखी गई है कि हमने एक्सेप्ट किया है हमारे बेटे के पसंद को, या जो भी नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट्स सी कि क्या होने वाला है, किसने ये खेल खेला है मोहन के साथ, वो सामने आएगा भी नहीं। विल कृष्णा एंड आर्यमन गेट टू नो दैट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय सिड एंड हिज मॉम? इट्स अ वेट एंड वॉच, डेफिनेटली। आपने एक बात बहुत सही बोली कि उनको कुछ पिलाया गया है, और मैंने जैसे पहले बोला था कि सफर आसान नहीं होगा, कि वो आपको अच्छे से एक्सेप्ट करें, और जब मोहन भी साथ है तो और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो उसकी कमजोरी भी है, उसका भाई, और उसको अच्छी तरह से वो यूज करेंगे ड्रामे के लिए। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से ये सारा खेल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो मुश्किल है, कठिन है, और इसमें ही ये आपको खूब ड्रामा 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 मिलेगा, देखने में मजा भी आएगा। और हाँ, कपल तो बहुत अच्छा है, अब नया कपल कहते हैं ना, न्यू कपल इन टाउन, तो ऐसा वाली बात है कि इंटरेस्टिंग है ड्रामा भी, और कपल तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था जब ही डांस में देख रही थी, तो मुझे भाई यार ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड फिर उसके बाद जो देखने को मिला तो वो भी जरूरत है दिखाने की। तो एनीवे, अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें कृष्णा मोहिनी ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर।
बाय। हाय, दिस इज आशी सिंह एंड यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।